सो जितने भी कोर्सेज का सीईटी हुआ था 28 और 29 अगस्त को आईपी यूनिवर्सिटीज में 5 कोर्सेज का हुआ था, उन 5 कोर्सेज का जो है वो फाइनल आंसर की कल शाम को आ गया है। तो अब बच्चे का जो है वो काफी बच्चे का डाउट ये है कि भैया आगे क्या करना है, आगे किस तरीके से काउंसलिंग होगा और अभी हमें क्या करना है, और काफी बच्चे जो है वो निराश है, बोले कि भैया आंसर की जो है वो सही नहीं आया है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है अगर हमें लग रहा है कि भाई उन्होंने जो है वो सही चेक नहीं किया है, और उसके बाद हमारा काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो रहा होगा, और बेसिकली अपने को अभी क्या करना है। ठीक है, सो इस वीडियो को आप जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी ही वीडियो होगा, 4-5 मिनट में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर आईपी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग रिगार्डिंग A to Z वीडियो मिल रहा होगा। आप आईपी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्यों ना जा रहे हो, आप लोगों को वीडियोस इस चैनल में मिलेगा। ठीक है ना, अभी से लेकर आपके फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक के सारे वीडियो मिलेगा। साथ साथ जो है हमने पिछले साल भी आईपी यूनिवर्सिटीज में जो है वो काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प किया था, सो हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से होता है, सो इसलिए आप लोग जो है हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सारी बात आप लोगों को समझ में आ गया, सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो ये कि काफी बच्चे का क्वेरी ये है कि भैया मेरा जो है वो मेरे को लगा था ये क्वेश्चन सही है और इसका जो है वो कैंसिल कर दिया गया, काट दिया गया है, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले ये कि देखो आप लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की आ चुका है 5 कोर्सेज के लिए। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस देखो, ठीक है ना, अपने चेक करो, और अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने जो है किसी क्वेश्चंस का आप लोगों का सही है और उन्होंने जो है उसे काट दिया है, तो आप लोग जो है उसके लिए क्वेरी रेज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्वेरी रेज करने के लिए पर क्वेश्चन का आप लोगों को 200 रुपीज लगता है, ठीक है ना, लेकिन वो तभी करना जब आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल कम से कम 95% चांसेस है कि भाई ये सही है। ठीक है ना, ऐसे ही मत करना, ठीक है, नहीं तो फालतू का पैसे वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, अपना क्वेरी रेज कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद जाकर के जो है अभी काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि भैया हमारा रिजल्ट जो है बहुत बेकार रहा है। तो सबसे पहले देखो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के जितने भी मार्क्स बन रहा है आईपी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन आराम से हो जाएगा। आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम में मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हमें एक्सपीरियंस हो जाता है भाई, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि आप लोगों का जो है सभी का एडमिशन होगा। ठीक है, बस चैनल पर रेगुलर रहना ताकि आप लोगों का सारे अपडेट जो है मिलते रहे। ठीक है, सो कितना भी स्कोर रहा है इस चीज से परेशान मत रहो। ठीक है, जितना भी स्कोर है आप लोगों को जो है वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। तीसरी बात यह है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले अभी फाइनल आंसर किया है, अभी आप लोगों का रैंक अलॉट करना बाकी है। अभी सबसे पहले होगा क्या कि अभी कुछ टाइम जो है वो 2-3 दिन ये देंगे क्वेरी रेज करने के लिए, एंड देन उसके बाद लगभग लगभग आप लोगों का जो है वो 6-7 डेज के बाद जाके 7-8 दिन के बाद जाके आप लोगों का जो है वो रैंक मिलेगा, और रैंक मिलने के बाद जाके आप लोगों का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और जो कॉलेज अलॉट किया जाता है वो आप लोगों का रैंक के बेसिस पे ही किया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी आप लोगों का क्या स्कोर है एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है ना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, और बाकी आप लोगों को बस चैनल पे अपडेट रहना है, चैनल पे रेगुलर रहना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड के भी सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, और बेसिकली आप परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, छोटी से छोटी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।